वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ तीन तरीके के स्वीट हार्ट को कटिंग करना तो चलिए सबसे पहले मैं सिंपल स्वीट हार्ट बता देती हूँ सिंपल स्वीट हार्ट नेक की मैंने लेंथ ली है सेवन इंच तो सेवन इंच पर एक पॉइंट बना लीजिए और उस पर स्ट्रेट लाइन बना लीजिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब हम गले की चौड़ाई लेंगे तो गले की चौड़ाई मैंने ली है थ्री इंच थ्री इंच पर मार्क लगा लीजिए ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी थ्री इंच पर मार्क लगाएंगे और दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से इस स्केल से मिला देंगे बॉक्स बना लीजिए उसके बाद इस कॉर्नर से हम यहाँ से कॉर्नर से टू पॉइंट फाइव इंच लेंगे इस पॉइंट से हम एक टू पॉइंट फाइव इंच का मार्क लगाएंगे और उसको गले का जो हमारा सेंटर है उस सेंटर पॉइंट से नीचे तक मिला देंगे इस तरीके से हमारी ये स्वीट हार्ट नेक की शेप बन जाएगी और स्केल से ही हम उसका आउटर भी बना लेंगे जो इसकी गले की आउटलाइन है ये बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए वन इंच का तो आप मार्क लगाकर निशान बना के तभी आप उसको कटिंग करना तो इस तरीके से मैं इस गले को कटिंग कर रही हूँ एक बार मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ किस तरीके की शेप आएगी ये देखिए इस तरीके से हमारा ये सिंपल स्वीट हार्ट बन गया है अब हम बनाने जा रहे हैं सेकेंड नंबर वाला स्वीट हार्ट तो उसकी लेंथ भी मैंने सेवन इंच ही लिया है और एक पॉइंट बनाकर उस पर स्ट्रेट लाइन बना दीजिए गले की चौड़ाई ले लीजिए थ्री इंच मैंने इसकी गले की चौड़ाई लिया है दोनों साइड से उसके बाद स्केल से दोनों साइडों से हम मिला देंगे और ठीक पहले वाले गले की तरह हम यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे बिल्कुल सिंपल जैसे स्वीट हार्ट नैक बनता है उसी तरीके से हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर इसको मिला देंगे तो इस तरीके से हमारी सिंपल स्वीट हार्ट नैक की शेप बन गई है उसके बाद हम इस लाइन का सेंटर पॉइंट लेंगे सेंटर पॉइंट लेने के बाद हम यहाँ से इस पॉइंट से बाहर की तरफ एक हाफ इंचीज की पॉइंट बना लेंगे हाफ इंचीज उसको बाहर के साइड शेप देंगे तो इस तरीके से हम जो हमारा आर्मोल शेपर है उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ से राउंड शेप बना लेंगे इस तरह से और आर्मोल शेपर से ही हम इसकी बाहर वाली शेप भी डालेंगे ताकि वो बिल्कुल इक्वल बने और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन से शेप बनाएंगे और गले को कटिंग कर देंगे तो इस तरीके से हमारा सेकेंड नंबर का गला भी कटिंग हो गया है फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना तो इस तरीके से हमने इस गले को भी कटिंग कर लिया है अब मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके की शेप आई है इसकी ये देखिए नीचे से राउंड शेप में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है अब हम थर्ड नंबर का जो गला है उसको कटिंग करेंगे उसकी लेंथ भी मैंने ली है सेवन इंच बिल्कुल पहले की तरह सेवन इंच पर स्ट्रेट लाइन बना लीजिए गले की चौड़ाई ले लीजिए मैंने थ्री इंच लिया है तो थ्री इंच पर मैंने दोनों साइडों से मार्क लगा के उसको स्ट्रेट लाइन बना लीजिए बिल्कुल पहले की तरह ही अब यहाँ से कॉर्नर से टू पॉइंट फाइव इंच पर मार्क लगा कर उसको स्ट्रेट लाइन बना दीजिए उसके ऊपर इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को मिलाकर अब यहाँ का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे हाफ इंचिस बाहर के साइड रखेंगे उसको शेप को और इस वाली लाइन का भी सेंटर पॉइंट पर एक मार्क लगा लेंगे उसके बाद हम इस लाइन को भी बाहर के साइड से हाफ इंचज बाहर के साइड मार्क लगाएंगे अब दोनों पॉइंट्स को हम जो हमारा आर्मोल शेपर है उसका इस्तेमाल करके दोनों साइडों में हम इस तरीके से राउंड शेप देंगे यहाँ पर भी और इस साइड में भी तो ये दोनों साइडों में हमारी राउंड शेप आ जाएगी इस नेक को भी हम स्वीट नेक ही बोलते हैं और इसका जो आउटर वाली लाइन है वो भी हम आर्मोल शेपर से ही डालेंगे दोनों साइडों से आर्मोल शेपर का इस्तेमाल कीजिए दोनों साइडों में लाइन बनाने के लिए और इस तरीके से हमारा थर्ड नंबर का जो नेक था स्वीट हार्ट नेक वो भी हमारा कटिंग हो गया है मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर से आपको पॉइंट बनाकर ही नेक की कटिंग करनी है ताकि कॉर्नर अच्छे से बन पाए इस तरीके से हमारा थर्ड नंबर का नेक भी कटिंग हो चुका है अब मैं आपको तीनों नेक दिखा देती हूँ एक बार कि कौन कौन से नेक हमने कटिंग किए हैं ये तीनों नेक हमारे स्वीडार नेक ही में ही आते हैं तो ये तीनों नेक हमारे कटिंग हो गए हैं फ्रेंड्स तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलती हूँ ऐसी ही नई वीडियो के साथ बाय बाय